We are going to be sharing a free library model that works. We know it works for us here in Delhi. And you can adopt this model for your own community and for your own members. So I am going to very, very quickly switch back to Hindi. But meanwhile, those who have understood me in English, please feel free to use the chat box to introduce yourselves, what library you represent, and which part of the country or even the world that you're from, so that we all kind of know where we are all from. And also, if you've missed that part, please do rename yourself. Go into the participant section or even rename yourself by clicking on the three dots next to your picture. With the language of preference, if you see my name, I've written Hindi and then my who I am. Similarly, if you can do that with the language of preference, it'll help us deliver the training to you in the language that you need. Okay, so साथियों जो जिस तरीके से प्राची ने सबका स्वागत किया genuinely सच्चे दिल से उन्होंने सबका स्वागत किया ये एक्चुअली सिर्फ इस ट्रेनिंग के लिए नहीं लेकिन ये लाइब्रेरी में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसे ही सबका स्वागत करें ये जरूरी क्यों है क्योंकि शायद किसी के मन में है जो बाहर खड़ा है चौखट के बाहर खड़ा है शायद उनके मन में झिझक है कि ऐसी जगह तो हमने पहले कभी देखी नहीं है कभी एक्सपीरियंस नहीं की है शायद उनको लगेगा कि क्या ये जगह मेरे लिए है या किसी और बच्चे के लिए है या शायद बड़ों के लिए है तो वो झिझक दूर करने के लिए प्यार से किसी को वेलकम करना पर नकली पना नहीं सच्चे दिल से वेलकम करना ये हमारी जिम्मेदारी है एज लाइब्रेरियंस खैर तो अगले दो दिनों में हम खूब मेहनत करने वाले हैं आप और हम दोनों तो प्लीज पास में पानी और स्नैक्स जरूर रखिएगा हमारी सेशंस काफी भारी भरकम होने वाली है नोट्स लेना चाहेंगे तो उसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं यहाँ पे बताए हर चीज को आप अपने लाइब्रेरी या अपने स्कूल के मॉडल के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं तो जो भी हम यहाँ पे बताएंगे वो अडेप्टेबल है आप बदल उसमें बदलाव ला सकते हैं क्योंकि आप जहाँ जहाँ काम करते हैं शायद वो दिल्ली से बहुत अलग है आपकी कम्युनिटी शायद अलग है प्राची की तरह मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हिस्ट्री में हमारे ट्रेनिंग में देश भर से लाइब्रेरी कार्यकर्ता आए हैं चाहे वो टीचर्स हों पंचायती लीडर हों किसी भी जगह से आए हो कश्मीर से कर्नाटक तक राजस्थान से असम तक यहाँ पर लोग आए हैं इस ट्रेनिंग में तो आप सब लोग चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए और प्लीज बताइए कि आपके लाइब्रेरी का नाम क्या है किस जिले में है किस प्रांत में है नाम के आगे जैसे हम बहुत बार बोल चुके हैं भाषा डालना मत भूलिएगा इसमें आगे जाके बहुत हमें सहूलियत होगी मैं जल्दी से आपको जूम के रूल्स बता दूं जो अगले दो दिन हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे कि जूम पे क्योंकि काफी सारे लोग आई थिंक अब ऑलमोस्ट 55 लोग ज्वाइन कर चुके हैं हमें तो कुछ बेसिक रूल्स आप प्लीज ध्यान में रखिए ट्रेनिंग हिंदी और अंग्रेजी में होगी कुछ सेशंस हम दोनों भाषा में करेंगे जैसे ये वाला सेशन हो रहा है कुछ सेशंस शायद सिर्फ हिंदी में होंगे लेकिन चैट बॉक्स में उसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन चलती रहेगी जूम पर नाम बदलने का हम बहुत बार बोल चुके हैं माइक और वीडियो ज्यादातर अगर आप बंद रखेंगे तो हमारे जो अलग अलग जगह से लोग आए हैं उनके लिए अलग अलग बैंडविड्थ भी है कुछ लोग बहुत पहाड़ों में हैं कुछ लोग रूरल जगह से ज्वाइन कर रहे हैं तो हम सब उनके साथ सॉलिडारिटी में रहेंगे जब जब कोई बोल रहा है या फैसिलिटेटर कोई सेशन ले रहा है तो माइक और वीडियो हम बंद रखेंगे ताकि किसी को डिस्टर्बेंस भी ना हो जब सेशन चल रहा हो तो बीच में बात ना करें और फैसिलिटेटर को प्रेजेंटेशन के बीच में इंटरप्ट ना करें क्योंकि हर सेशन के बाद आपको मौका मिलेगा सवाल करने का या डिस्कस करने का टाइम हमारे पास कम है और बातें बहुत ज्यादा है एज यूजुअल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जूम में चैट बॉक्स की व्यवस्था है उसमें आप अपने सवाल अपने डाउट्स अपने फीलिंग्स डाल सकते हैं सवाल जितना बन पड़े हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कोई ना कोई आपको आंसर करने की कोशिश करेगा चैट बॉक्स में एक बहुत इस ट्रेनिंग के दौरान बीच बीच में ज्यादातर डिस्कशन करने के लिए क्योंकि हम लोग 55 से ज्यादा लोग हैं शायद हम छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ जाएंगे ब्रेकआउट रूम्स में तो इसका मतलब है कि
ये ब्रेकआउट रूम्स छोटे ग्रुप्स में 5 या 6 लोगों के साथ में वो डिस्कशन चलेगी, ये लैंग्वेज के बेसिस पे होगी, तो हिंदी बोलने वाले एक ग्रुप में होंगे, इंग्लिश बोलने वाले अलग ग्रुप में होंगे। तो जब तक आप चैट बॉक्स को एक्सप्लोर करते हैं, मैं इंग्लिश में ये जल्दी से एक्सप्लेन कर लेती हूँ। हाय गाइस, द बेसिक हाउस रूल्स फॉर जूम इज दैट द सेशंस विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश, एज यू माइट हैव गेस्ड बाय नाउ। दो सेशंस व्हिच आर इन हिंदी will have running translations in English in the chat box. So please get well acquainted with the chat box part of Zoom. You've already hopefully renamed yourselves. Please be mindful to keep yourself on mute when a presentation is happening. If you are facing network issues, you may also want to turn your video off. In fact, I recommend that unless you are in a smaller discussion, or the facilitator has asked, we mostly keep our videos off. Please, let's try not to ask questions or interrupt when a facilitator is in the middle of a presentation. We've specifically kept time aside for discussions, and you can always use the chat box to ask your doubts. It may or may not be possible to address all your questions, but we'll try to get to as many as we can. Obviously, use the chat box to introduce yourself, where your library is situated, in which state or which country. We'll be using breakout rooms a lot through the next 2 days. Even if you are not familiar with them, we are going to facilitate that process, and hopefully it won't be bumpy and it will be seamless. In each of these breakout rooms, we'll be having more intense, intimate discussions about the sessions, and you will be assigned a TCLP or a TCLN moderator. I'm going to switch back to Hindi now. आज का कार्यक्रम दो हिस्सों में बटेगा। पहला हिस्सा है लाइब्रेरी प्रथा या लाइब्रेरी प्रैक्टिसेस को लेके। ये ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिससे हर बच्चा, हर पाठक और हर मेंबर को लाइब्रेरी में आने और पढ़ने में हमसे ज्यादा से ज्यादा मदद मिले। तो और ये ऐसी प्रथाएं हैं जिनसे हर मेंबर ये जान जाएंगे कि लाइब्रेरी उनकी है, किताबें उनकी हैं। हम लोग अक्सर कहते हैं कि लाइब्रेरी में हम लोग सब साथ में पढ़ेंगे और सोचेंगे, जो कहने में बहुत ही आसान लगता है और बहुत ही कूल लगता है, लेकिन इसको एक्चुअली प्रैक्टिस में कैसे लाना है, वो क्या प्रथाएं हैं, ये हम बताएंगे। बीच में 50 मिनट का ब्रेक होगा जिसमें लंच खाने के लिए सब जा सकते हैं या एक दूसरे से बात कर सकते हैं अगर आप जूम पे रहना चाहें। उसके बाद कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा शुरू होगा लगभग दो बजे के आसपास। ये है चाइल्ड सेफ्टी, यानी बाल सुरक्षा के बारे में हम लोग बात करेंगे। सभी मेंबर्स के लिए वो लागू हो सकता है, बट स्पेसिफिकली हम थोड़ा बाल सुरक्षा पे फोकस करेंगे। बच्चों को सुरक्षित कैसे रखें, लाइब्रेरी में शोषण ना हो, भेदभाव ना हो, इसको डेली बेसिस पर हम कैसे लाइब्रेरी में लागू कर सकते हैं, कानून क्या कहता है इस देश का, और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड क्या है, ये भी हम सेकेंड हाफ में डिस्कस करेंगे लंच के बाद। I'm going to quickly run through today's agenda. The day is divided into two parts. The first is all about library practices. These are practices that create a welcoming, trustworthy, and intellectually stimulating social space that is the library, that is the free library. We'll be talking about practices that allow members to truly own the library, the space, the books, the program, which is way easier said than done, right? Like, how do you get 10 members or 100 members or 1,000 members to feel that way? Well, we'll hopefully be able to tell you the precise practices that we have used and been successful at, and you can adapt that to your own libraries wherever you work. We'll then break for lunch, which would be around 2 p.m. Indian Standard Time for the guest who's joining us from abroad. After that, we'll do a short session on other activities we do in the library besides those that center around reading and books, like arts and crafts workshops. Then we'll go into a critically important session on child safety and protection in the library, both from a legal perspective as well as what we can do in practice on a day-to-day basis within the library. Okay, so let's get into it. Now I'm switching entirely to Hindi. So to follow what I'm talking about in English, please track the chat box where my colleague Ridhura will be translating. I am going to continue on now in Hindi.
तो मेरे सारे लाइब्रेरी के साथियों, मैं आपको 2 मिनट में बताना चाहती हूँ कि TCLP यानी द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट क्या है, हम कौन है, और इसके तहत जो हमने नेटवर्क शुरू करने की कोशिश की है द कम्युनिटी लाइब्रेरी नेटवर्क, वो क्या है और दोनों में क्या अंतर है। TCLP यानी द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट वो दिल्ली गुड़गांव में स्थित एक संस्था है जो निशुल्क लाइब्रेरीज बनाता है, सिर्फ निशुल्क बनाते हैं हम लोग, चलाते भी हैं। हमारे लाइब्रेरीज एक्चुअली उसके पीछे जो सोच है, लाइब्रेरीज जो है उनको हम एक उकसावा मानते हैं, जिसको इंग्लिश में प्रोवोकेशन बोलते हैं, जो दिखाता है कि हमारे देश में इस वक्त फ्री लाइब्रेरी आंदोलन की सख्त जरूरत है। और ये शब्द आंदोलन हमने बहुत गौर से सोच समझ के इसको आंदोलन बुलाया है। हम मानते हैं कि हर देशवासी को हक है कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अच्छी सी अच्छी लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने का मौका मिले। TCLP का जो मॉडल है, जो हम अभी पिछले आई वुड से एटलीस्ट 6 से 10 साल के बीच में हमने ये मॉडल बनाया है, ये मॉडल ये दिखाता है कि ये एक्चुअली मुमकिन है, ये आंदोलन सिर्फ ख्याली नहीं है, बट हम इसको हम सच्चाई में बदल सकते हैं, और वो भी बिना किसी मेंबर से फीस लेकर या बिना किसी जाति, धर्म, जेंडर या अन्य बातों पे भेदभाव किए, मतलब सबका स्वागत है बोलकर। इसके तहत हमने पिछले 2-3 सालों में काम किया है द कम्युनिटी लाइब्रेरी नेटवर्क पर। ये नेटवर्क है जिससे लगभग अभी आई थिंक यहाँ पे हमने 40 दोस्तों को आमंत्रित किया था, लेकिन आई थिंक शायद और लोग भी आए हैं। ये कोशिश है जिसमें हम सब जो लाइब्रेरी का काम करते हैं वो सब एक संगठन में जुड़ जाएं, ताकि हम सब मिलकर फ्री लाइब्रेरी आंदोलन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अकेले बैठे बैठे कोई भी किधर भी ये काम नहीं कर सकता है, बहुत ही मुश्किल है। हमारा मिशन है कि इस देश के हर गली, शहर, गांव, जिले में सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी हो, जहाँ किसी को पढ़ने से या सोचने से रोका ना जाए। और हम इस मिशन को पूरा करने के लिए एकदम कमिटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं। और इसमें जो फ्री लाइब्रेरी की बात है, ये हमारे लिए सबसे अहम भूमिका निभाती है। तो आप सब जो इधर एकत्रित हुए हैं, नॉट जस्ट TCLP दिल्ली से या गुड़गांव से, बट पूरे देश भर से, आप लोग लाइब्रेरी में काम करते हैं, या तो आप लाइब्रेरी चलाते हैं या आप आने वाले दिनों में लाइब्रेरी चलाना चाहेंगे, बनाना चाहेंगे, तो आप सबने आई एम प्रिटी श्योर, काफी मैं श्योर हूँ कि कभी कहीं ना कहीं आपके मन में एक बात आई है कि अरे फ्री क्यों, यू नो, मतलब फ्री रखने में तो काफी शायद समस्याएं होंगी लाइब्रेरी को फ्री रखने में, क्योंकि शायद आपकी सोच है, एक सोच रही है कि अगर फीस नहीं लेंगे तो लाइब्रेरी का खर्चा कैसे निकलेगा, जो बहुत ही जायज सोच है, या कुछ लोगों को शायद ये भी लगे कि अगर हम फीस नहीं लेंगे तो बच्चों को या अन्य मेंबरों को किताबों की अहमियत कैसे समझ में आएगी, यू नो, जब तक वो 1 रुपया या 10 रुपया ना दें। तो हमारा ये मानना है कि फ्री बिल्कुल ही जरूरी है, अगर जरूरी से कोई और भी बड़ा वर्ड हो तो हम वो भी यूज करेंगे, क्योंकि इससे हम ऐसी हर सामाजिक बैरियर या अवरोध को तोड़ रहे हैं जो कहता है कि आप बुक्स नहीं पढ़ सकते, जो कहता है कि अच्छा आप स्त्री हो या पुरुष है या कोई और जेंडर हो या आपकी जाति ये है या आपका धर्म ये है या आप शायद विकलांग है तो आप, सॉरी, आपके लिए लाइब्रेरी नहीं है, आपके लिए किताबें नहीं है। और मुझे ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि हजारों सालों तक इस देश में, भारत में, ये बैरियर्स रहे हैं कि कुछ लोग पढ़ सकते हैं, कुछ लोगों को अनुमति है और कुछ लोगों को अनुमति नहीं है। लोगों को किताब छूने के लिए तो मारा भी गया है, जान से मारा गया है या चोट पहुंचाई गई है उनको। तो हम जब फ्री लाइब्रेरी बोलते हैं तो हम उन बैरियर्स को तोड़ रहे हैं सिंपली बाय मेकिंग इट फ्री। फ्री में ये बिलीफ है कि
सब लोग इक्वल हैं, फ्री इज इक्वल। और अगर आप इंसान हो, अगर आप पढ़ने में, किताबों में या लाइब्रेरी में बैठने में रुचि रखते हो, तो हमारे साथ लाइब्रेरी में आकर पढ़ने और सोचने का हक है आपको, ये आपका हक है। तो अगर हम आर्थिक नजरिए से देखें, तो अगर हम एक भी रुपया किसी से चार्ज करें, मेंबरशिप फी लगा दें, तो आप सोच सकते हैं हमारे देश में कितने हजारों लाखों लोग, जिनमें से मतलब ज्यादातर कितने सारे बच्चे भी होंगे, वो शायद एक रुपया भी उनके लिए महंगा पड़ता है। और उस एक रुपये के फीस के चलते वो आपके चौखट के बाहर ही रह जाएंगे, जैसे शायद उनके आने वाले, उनके पिछली पीढ़ियां जैसे वो चौखट के बाहर रह गए थे, उस एक रुपये के बल पे, एक रुपया ना होने के बल पे वो भी चौखट से बाहर रह जाएंगे। तो फ्री होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। फ्री इसीलिए भी होना जरूरी है क्योंकि ये एक्चुअली लग्जरी नहीं है। हर समाज में फ्री लाइब्रेरी होना है क्योंकि लाइब्रेरियन जो है, लाइब्रेरी में जो काम करते हैं, वो सिर्फ किताबें ही नहीं बांटते। उनका ये काम नहीं है कि किताबें रखें और फिर इशू करें और ऐसे काम करें सिर्फ। वो दुनिया को समझने के औजार देते हैं अपने मेंबर्स को और अपनी कम्युनिटी को, जो बहुत पावरफुल बात है। इसीलिए हम मानते हैं कि सारे लाइब्रेरियंस जो हैं वो इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट्स होते हैं। इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट माने जिनको किसी भी बात पे जानकारी हासिल करना और फिर आगे बढ़ाना आता हो। तो मेंबर अगर कुछ भी जानना चाहते हो, जैसे महात्मा गांधी जी का जन्म किधर हुआ था, या कोरोना वायरस की वैक्सीन मुफ्त में इस वक्त मेरे घर के सबसे पास वाले हॉस्पिटल में कहाँ से मिलेगी, या अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, या गांव में जो रोजगार योजना चली है उसमें हम कैसे अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, ये जो सारी इंफॉर्मेशन या जानकारी है वो इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट के हाथ में होनी चाहिए। अब आप घबराइए मत कि अरे मैं लाइब्रेरियन हूँ, मुझे इतना सब कैसे पता चलेगा, एक इंसान को इतनी सारी जानकारी कैसे हो सकती है। वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपके अंदर ऑलरेडी वो जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब किसी को वो जानकारी चाहिए तो आप वो जानकारी हासिल कर उन तक कैसे पहुंचा सकते हैं। ये एक्चुअली फर्ज है लाइब्रेरियन का, इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट होना। और स्पेशली आजकल के दौर में जब मतलब आई थिंक इस देश का हर हिस्सा, इस दुनिया का हर भाग बहुत ही बड़ी चीजों से जूझ रहा है, तो ऐसे में लाइब्रेरियन का की जो जिम्मेदारी है एज एन इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट, ये बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए ये फ्री होना चाहिए क्योंकि सोचिए अगर किसी को वो इंफॉर्मेशन मिले और किसी को नहीं मिले क्योंकि उसके पास वो वन रुपी नहीं था। तो इसीलिए फ्री 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 पे हम इतना जोर देते हैं। फ्री के बिना हम एक्चुअली लाइब्रेरीज को समझ ही नहीं पाते हैं, कोई पॉइंट नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो अगर आपको याद है, अगर आपको हमारे तरफ से एक ईमेल आया होगा जो जिसमें ना सिर्फ जूम का लिंक था पर उसके साथ पहले दिन के लिए छोटा सा असाइनमेंट था। वो असाइनमेंट था कि एक लाइब्रेरी के ऊपर एक कॉमिक बनाया गया है। हमारी कार्यकर्ता रितिका पुरी ने वो कॉमिक्स बनाई हैं। कॉमिक का नाम है बातें लाइब्रेरी की। मेरी आशा है कि आप सब ने वो शायद देखी होंगी वो कॉमिक्स, उस पर क्लिक करके आई होप आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं जरा एक बार स्क्रीन पे, प्राची आर यू गोइंग टू पुट दैट अप ऑन द स्क्रीन और शुड आई डू इट? श्योर, आई कैन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट, इस बीच में ये लिंक भी डाल रही हूँ जो प्राची ने अभी जो स्क्रीन शेयर किया है, वो लिंक भी आप अभी तुरंत खोल के देख सकते हैं। तो उसके बेसिस पे हमने आप सबसे पूछा था कुछ बेसिक सवाल गौर करने के लिए, एक बार आपने वो कॉमिक्स देख लिए। वो सवाल कुछ ऐसे थे कि अगर आप कॉमिक में दिए गए प्रथाओं का इस्तेमाल करते हैं, काफी सारे अलग कॉमिक्स में अलग प्रथाएं दिखाई गई हैं, तो वो आप इनमें से कौन कौन सी प्रथाएं यूज करते हैं, इसमें से सबसे जरूरी प्रथा आप क्या मानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रथा आप क्या मानते हैं, और जो आप अवॉइड कर सकते हैं, जो जरूरी नहीं मानते हैं, वो भी आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में लिखकर। और
किसके किस प्रथा के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं? मैं जब तक आप सोच रहे हैं ये बात, मैं और चैट बॉक्स में डाल रहे हैं, मैं इंग्लिश में जल्दी से कर लूं। ऑलराइट, सो इफ यू हैड रिसीव्ड दिस असाइनमेंट इन द ईमेल दैट वी सेंट आउट विद द ज़ूम लिंक्स, you'll be familiar with this comic that Prachi has just pulled up. The link is also in the chat box. Zoya has put it up. So you were asked to view these comics, which have been created by our own Ritika Puri, who is with us at TCLP. They depict moments from the library and some of what we do and why we do it. So if you have seen these prior to coming to this meeting, then please use the chat box to complete the following thoughts or sentences. We are already using this best practice. I think the most important practice is dash dash dash, and the ones to be avoided are dash dash dash, or you might want to know more about a practice, you can put that in as well. So let's take like the next like maybe 2 or 3 minutes to share in the chat box. और किसी को अगर कोई doubt आ रहा है या कोई confusion है, आप please वो भी पूछ सकते हैं. Spinning Wheel Leadership Foundation say important that children be given the space to express themselves and grow more within themselves through each other. Computer example, right? I want to know more about how can you help if someone isn't willing to explain their situation. My request hai TCLP ke karyakartaon se, if there is a question that they can answer, please go ahead and feel free to respond in the chat box. Anyone from TCLP? Freedom to choose, right? ये जरूरी है कि सबको आजादी मिले ये चूज करने का कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं और किताबों से वो सोचकर क्या सवाल खड़ा करना चाहते हैं. ये अपूर्व ने ये शेयर किया है. प्रीति ने शेयर किया है कि सबसे बढ़िया प्रथा उनके हिसाब से है कि बच्चों से तालमेल बना रहे, कहीं बीच में वो टूटे ना. और वो जानना चाहती हैं कि अच्छा, स्कूल लाइब्रेरी और कम्युनिटी लाइब्रेरी की प्रथाओं में क्या कुछ फर्क है. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस. गौरव कहते हैं कि एक बहुत ही अच्छी प्रथा है कि बच्चों पे दबाव ना डाला जाए कि उनको इंग्लिश में ही या हिंदी में ही या कश्मीरी में ही या कोई भी लैंग्वेज में ही बात करना है. अगर किसी के पास जवाब है इन सवालों का, आप डाल भी सकते हैं, हम लोग सब शेयर कर रहे हैं. और लैंडा पूछ रही है कि उनके मन में एक सवाल है कि ये मॉडल सिर्फ बच्चों के पढ़ने पर ही नहीं लेकिन सोचने की क्षमता पर क्या प्रभाव डालती है. ये डेमोन्स्ट्रेट हम कर सकते हैं, ये हम एक्चुअली करेंगे डेफिनेटली. कल के दिन तो ये डेमोन्स्ट्रेशन होगा ही होगा. सभी को पढ़ने और सोचने की आजादी और सभी मेंबर का स्वागत करना और उनसे जुड़े रहना. यस राइट पत्सला. I think everyone shall get equal opportunity and equal attention at the library. ये बहुत बड़ी बात बोली है आपने अहमद साहब, कि सबको उतना ही attention मिले. ऐसे नहीं कि कुछ बच्चों को ज्यादा भाव मिले और कुछ बच्चे एकदम इग्नोर हो जाए या उनकी तरफ कोई ध्यान ना दे. I think it's wonderful कि हमारे पास इतने responses आ रहे हैं. I'll suggest कि हम ये responses देते रहें chat box में, but हम साथ साथ आगे भी बढ़े पूर्ण. ठीक है, yes definitely.